हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों आज मैं आपको जिस देश की यात्रा पर लेकर जा रहा हूं, उस देश में गर्मी भी भयानक पड़ती है तो ठंड भी उतनी ही होती है। दुनिया के सबसे रहस्यमयी देशों में गिना जाता है इस देश को। यहीं पर है गेट ऑफ हेल, यानी नरक का दरवाजा, जिसे देखना सबके बस की बात नहीं। दुनिया का सबसे कम विजिटेड देशों में से एक है ये, और इस कंट्री को सबसे संदेहजनक देश भी कहा जाता है। वेल, दोस्तों इस देश के लोग की पहचान इस बात से कर सकते हैं कि यहाँ पर सब के सब शिपस्किन हैट जरूर लगाते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे एशिया का ही एक देश तुर्कमेनिस्तान के, तो अपनी सीट बेल्ट बांध कर हो जाइए तैयार, क्योंकि हम जाने वाले हैं एक बेहद ही खूबसूरत और कमाल के देश तुर्कमेनिस्तान की सैर पर। सबसे पहले आपको बता दें कि तुर्कमेनिस्तान देश को तुर्कमेनिया नाम से जाना जाता है। ये सेंट्रल एशिया का एक देश है जिसका बॉर्डर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से मिलता है। आपको बता दें कि इस समय देश की जनसंख्या है 60 लाख के आसपास, और ये पॉपुलेशन के मामले में दुनिया का 113वां सबसे बड़ा देश है। यहां के 55% लोग शहर में रहते हैं, वहीं 45% लोग गांव में रहते हैं। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद, जो यहां का सबसे बड़ा शहर है। यहां पर ही इस देश की सबसे बड़ी फैक्ट्री है और यहां से ही सरकार का सब काम होता है। साथ ही इस शहर में आपको मैक्सिमम व्हाइट बिल्डिंग ही नजर आएगी। दोस्तों आज तो हम आपको तुर्कमेनिस्तान देश घुमाने लेकर जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमयी देश है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की कई सारी चीजें ऐसी हैं जो किसी को पता ही नहीं है। असल में ये दुनिया का सबसे कम घुमा जाने वाला देश भी है। यहाँ पर 2018 में केवल 13,000 ही टूरिस्ट आए थे। आप समझिए कि मात्र 13,000 लोग इस देश को विजिट करने आए थे। वेल, दोस्तों सेंट्रल एशिया के तमाम देशों की बात करें तो उसमें से तुर्कमेनिस्तान सबसे महंगी कंट्री है। कहते हैं कि यहाँ की हर चीज एक्सपेंसिव है। हो सकता है कि ये भी एक कारण हो कि यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आते होंगे। इनफैक्ट दोस्तों यहाँ का वीजा लेने के लिए आपको पूरा का पूरा टूर वीजा शो करना पड़ेगा। दुनिया के सबसे महंगे शहरों की लिस्ट में तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद शामिल है। आपने शायद इस शहर के बारे में सुना भी ना हो, लेकिन बता दूं कि ये बहुत ही महंगी सिटी है। यहाँ पर आपको हर एक चीज की कीमत 3 गुना ज्यादा देनी पड़ती है। इस शहर में सर्वाइव करना आसान काम नहीं है। अशगाबाद की मेडिकल का खर्चा सबसे ज्यादा है। कहने का मतलब यह है कि आपको इस शहर में अच्छी लाइफ जीने के लिए अच्छे पैसे खर्च करने होंगे। ये देश छोटा हो सकता है, लेकिन यहाँ के शहर बड़े महंगे हैं भाई। फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं तुर्कमेनिस्तान के बारे में एक रोचक बात। क्या आपको पता है कि इस देश को दुनिया का सबसे रहस्यमय देश क्यों कहा जाता है? दरअसल यहाँ के लोग बिल्कुल भी सोशल नहीं होते। जनरली एशिया के लोगों को सोशल माना जाता है, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा है। कहते हैं कि तुर्कमेनिस्तान में किसी से कोई मतलब नहीं होता। आप किसी से अगर कुछ भी पूछे तो आपको मदद नहीं मिलेगी। लगता है यहाँ के लोगों को किसी से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता। तुर्कमेनिस्तान में अगर कोई सरकारी नौकरी करता है तो वो स्मोकिंग नहीं कर सकता। दरअसल यहाँ के सबसे पहले प्रेसिडेंट को 1997 में स्मोकिंग की वजह से दिल की बीमारी हो गई थी, और जब वो ठीक होकर आए तो उन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने पूरे देश में सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के ऊपर स्मोकिंग करने पर बैन लगा दिया। आज भी जो इस देश में सरकारी नौकरी करते हैं वो स्मोकिंग नहीं कर सकते। एक चीज जो इस देश की सबसे अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ पर आपको सबके सब पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। तुर्कमेनिस्तान में लिटरेसी को सबसे अहमियत दी जाती है। अगर किसी ने गलती से भी अगर अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा तो समझिए कि मामला खराब हो सकता है। यहाँ पर बच्चों को स्कूल ना भेजना किसी क्राइम से कम नहीं। दोस्तों तुर्कमेनिस्तान के लोग रिकॉर्ड बनाने में पीछे नहीं हटते हैं। इस देश के नाम आज भी एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है जो कि सबसे अलग है। दुनिया में सबसे ज्यादा व्हाइट मार्बल बिल्डिंग्स होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो तुर्कमेनिस्तान देश के नाम ही है। यहाँ पर आपको लगभग हर घर ही व्हाइट मार्बल से बना हुआ दिखेगा। तुर्कमेनिस्तान नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के मामले में दुनिया के टॉप 10 देशों में आता है, और इसीलिए यहाँ पर पेट्रोल के दाम काफी कम है। यहाँ आपको सिर्फ $0.43 पर लीटर में पेट्रोल मिल जाएगा, जिसे भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करें तो ये 32.04 रुपए होते हैं। तुर्कमेनिस्तान अपने गैस और ऑयल भंडारों के अलावा अपने कारपेट्स के लिए भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ के कारपेट्स कई अमेरिकी और यूरोप के देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तुर्कमेनिस्तान एक समय पर सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन सोवियत संघ से अलग होने के बाद इस देश को आर्थिक तौर पर गहरा झटका लगा। आज से लगभग 20 साल पहले देश की 60% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन किया करती थी, लेकिन अब ये स्थिति काफी हद तक सुधर चुकी है। तुर्कमेनिस्तान को सोवियत रूल से 1991 में आजादी मिली थी। प्रेसिडेंट नियाजोव इस देश के पहले प्रेसिडेंट बने, और उसके बाद इन्होंने खुद ही ये डिसाइड कर लिया कि जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक यही इस देश के प्रेसिडेंट रहेंगे। 2006 में इनकी मौत हुई और तब तक यही इस देश के प्रेसिडेंट रहे। वेल दोस्तों, क्या आपने कभी डोरवे टू हेल के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि ये दुनिया के सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। यहाँ पर एक बड़ा सा कौवा है
जहां पर भयानक आग लगी रहती है। यहां आने की भी हिम्मत कोई नहीं करता, सब दूर से इस जगह को देखकर निकल जाते हैं। राजधानी अशकाबाद से 260 किलोमीटर दूर काराकुम रेगिस्तान के दरवेश गांव में मौजूद इस गड्ढे में 47 सालों से आग लगी हुई है। इस जगह को दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार कहा जाता था। 1971 में सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने मीथेन गैस को जमा करने के लिए यहां ड्रिलिंग की थी। एक दिन यहां विस्फोट हुआ, जिसके बाद नर्क के दरवाजे के नाम से मशहूर यह गड्ढा गैस क्रेटर बना। वैज्ञानिकों ने हादसे के बाद मीथेन गैस को वायुमंडल में फैलने से रोकने के लिए यहां आग लगा दी। उन्हें लगा था कि ये आग एक दो हफ्ते बाद बंद हो जाएगी, लेकिन ये आग आज तक लगातार जल रही है। दोस्तों, ये देश के सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशंस में से एक जगह है जहां आप जा सकते हैं। दोस्तों, टर्की और तुर्कमेनिस्तान देश के बीच बहुत सारी चीज सिमिलर है। आपको नाम से भी लग रहा होगा, टर्की और तुर्कमेनिस्तान के लोग ओगुज ट्राइब से बिलोंग करते हैं। दोनों ही सिमिलर लैंग्वेज भी बोलते हैं। तुर्कमेनिस्तान में रहना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, क्योंकि इस कंट्री का 70% रेगिस्तान है। यहाँ पर दिन के समय बहुत गर्मी लगती है, तो वहीं रात के समय ठंड बढ़ जाती है। कई बार तो यहाँ पर रात का तापमान माइनस में पहुँच जाता है। तुर्कमेनिस्तान एक इस्लामिक देश है, लेकिन यहाँ पर कोई भी आपको अपनी दाढ़ी बढ़ाते हुए नजर नहीं आएगा। यहाँ के कानून के हिसाब से कोई भी अपनी दाढ़ी को लंबी नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं, लड़के तो अपने बाल को भी नहीं बढ़ा सकते। बता दो कि शिपस्किन हेट पहनना तुर्कमेनिस्तान के लोगों की पहचान है। यहाँ के लोग शिपस्किन हेट पहने बिना रह ही नहीं सकते। यहाँ के लोगों की ये पहचान होती है, और आपको यहाँ सब आदमी शिपस्किन हैट पहनकर घूमते हुए नजर आएंगे। आपको ये बात जानकर खुशी होगी कि तुर्कमेनिस्तान दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पानी, बिजली और गैस देश की जनता के लिए बिल्कुल फ्री है। जी हाँ, ये 1993 से ही सबके लिए फ्री है। सरकार ने फैसला तब लिया जब तुर्कमेनिस्तान के लोग माचिस की तिल्ली बचाने के लिए अपने घरों में गैस ही नहीं बंद करते थे। कई घरों में गैस न बंद करने की वजह से भयानक हादसे भी हो गए। तब जाकर सरकार ने फैसला लिया कि वो अपने सभी लोगों के लिए पानी, बिजली और गैस बिल्कुल फ्री कर देगी। इसे कहते हैं छोटा सा देश लेकिन काम बड़े बड़े किए। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान में जाकर किसी भी सिंगर के लिए लाइव परफॉर्मेंस देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां लाइव कॉन्सर्ट में कोई भी सिंगर पर रिकॉर्डेड गाने पर बस लिप सिंक करके ही नहीं काम चला सकता। कहने का मतलब साफ है कि अगर आप परफॉर्मर हैं तो आपको लाइव कंसर्ट में सचमुच गाना पड़ेगा। वहां की सरकार का कहना है कि हम सिंगर को पैसे उसके लिप सिंकिंग देखने के लिए नहीं देते। तभी आपने देखा होगा बड़े बड़े स्टार सिंगर तुर्कमेनिस्तान में कम ही परफॉर्मेंस देते हैं। यहां का नियम ही सबसे अलग है और सबको सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को फॉलो करना होता है। एक बात जो तुर्कमेनिस्तान में बहुत गलत है वो ये कि इस देश में मीडिया को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। 180 देशों के सर्वे में तुर्कमेनिस्तान को 178वें नंबर पर रखा गया है। उनसे ऊपर नॉर्थ कोरिया और एरिट्रिया है, जैसी दो कंट्री जहां आपको भी पता है कि मीडिया के नाम पर मजाक होता है। तुर्कमेनिस्तान सरकार के खिलाफ कोई कुछ नहीं छाप सकता। अगर किसी ने वहां पर सरकार के खिलाफ कुछ भी दिखाया तो समझिए कि उसकी खैर नहीं। तुर्कमेनिस्तान की सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन है दशोगुज। ये बॉर्डर एरिया है जहां से तुर्कमेनिस्तान से उज्बेकिस्तान की तरफ लोग जाते हैं। दशोगुज बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है और सबसे ज्यादा पॉपुलर तब हुआ ये जब यहाँ पर 7 किलोग्राम उल्का पिंड नीचे गिरा। उसे देखने के लिए लोकल लोग यहाँ पर आते हैं। कोनिया उर्गेंच तुर्कमेनिस्तान का हिस्टोरिकल सिटी है, जहाँ का नजारा देखने के बाद आपको बहुत मजा आएगा। इस जगह पर ऐसी क्या बात है जिसे देखने के लिए यहाँ के लोग ही ज्यादा आते हैं? आइए हम आपको बताते हैं। लगभग 30,000 निवासियों के इस शहर में आपको सब कुछ पुराने जमाने के अंदाज में ही मिलेगा। यहाँ की बिल्डिंग से लेकर यहाँ के गाँव तक सब कुछ आपको इस देश की कहानी कहने के लिए काफी है। एक समय ये कभी बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, लेकिन चंगेज खान ने इसे तबाह करके रख दिया। निसा तुर्कमेनिस्तान की एक और खूबसूरत जगह है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कभी बड़ा शहर हुआ करता था, लेकिन अर्थक्वेक होने की वजह से ये पूरी तरह से टूट चुका है। आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और अगर ये कहा जाए कि ये सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन है तो इसमें कोई गलत बात नहीं। यहाँ की खूबसूरती जो है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, अगर आप इस देश में घूमने का प्लान करते हैं तो आपको यहाँ तो आना ही आना है। वेल फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले तो इस देश का वीजा लेना होगा। उसके लिए आपको एम्बेसी ऑफ तुर्कमेनिस्तान भारत में विजिट करना होगा। यहाँ पर आवेदन देने के बाद आपको टूरिस्ट वीजा 30 से 40 दिनों के बाद दे दिया जाता है। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि इस देश की यात्रा करने में आपको कम से कम 7 दिनों के टूर में 1,00,000 रुपए का खर्च आएगा। तुर्कमेनिस्तान की करेंसी तुर्कमेनिस्तानी मनत है, जिसकी वैल्यू लगभग 22 भारतीय रुपए के बराबर है। वैसे दोस्तों, आपके लिए जानना भी जरूरी है कि आखिर क्या वजह है कि इस देश में बहुत कम लोग घूमने के लिए आते हैं। सबसे पहली बात है कि टूरिस्ट को यहाँ कोई फ्रीडम नहीं मिला। कहने का मतलब यह है कि टूरिस्ट को यहाँ हर समय गाइड के साथ ही घूमना पड़ता है। इतना ही नहीं, आप इस देश में अपनी मर्जी से किसी भी जगह की पिक्चर क्लिक नहीं कर सकते। बहुत तरह के ऐसे नियम है जो कि कोई भी टूरिस्ट फॉलो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आप अगर जाएं तो हम एक ही बात कहेंगे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर आपने पहले तुर्कमेनिस्तान की यात्रा कर रखी है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें।
और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे नई वीडियो में ढेर सारी जानकारियों के साथ। धन्यवाद।